आप देख रहे हैं कर्मचारियों और सरकारी योजनाओं से जुड़ी खबरों का आपका अपना चैनल एम्प्लॉय खबर। नमस्कार दोस्तों, एम्प्लॉय खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज का ये वीडियो यहाँ पर सभी पेंशन धारकों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप कैसे सिर्फ 2 मिनट में अपना यहाँ पर जो डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, आप यहाँ पर पेंशन पाने के लिए प्रति साल यहाँ पर अपलोड करते हैं तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, किस तारीख को जो है आपका जीवन प्रमाण पत्र यहाँ पर एक्सपायर होने वाला है और अगले साल की पेंशन प्राप्त करने के लिए आपको कब यहाँ पर डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी करना पड़ेगा, ये आप ऑनलाइन कैसे चेक कर सकते हैं, यानी कि कुल मिलाकर आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की आखिरी वैलिडिटी एक्सपायरी डेट क्या है, ये कैसे आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। तो इस वक्त मैं यहाँ पर हूँ epfindia.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको यहाँ पर सिंपली गूगल में epfindia.gov.in यहाँ पर लिख कर एंटर करना है तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक भी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमने दिया हुआ है। तो इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज में पेंशनर्स पोर्टल नाम का एक ऑप्शन दिखेगा। इस पेंशनर्स पोर्टल वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है और इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप सीधे पहुँच जाएंगे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की पेंशनर्स वाले पोर्टल पर, जहाँ पर पेंशनर्स के लिए सारी सुविधाएँ प्रोवाइड की हुई होती है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसमें सबसे नीचे वाले नाउ योर पेंशन स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको यहां पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद एक नया विंडो आपके सामने ओपन होगा। इस नए विंडो में आपको यहां पर उस ऑफिस को सेलेक्ट करना है जिस ऑफिस से आपको यहां पर जो है पेंशन प्राप्त हो रही है। जैसे कि मैं यहां पर अपना ऑफिस सेलेक्ट करता हूं तो उसका ऑफिशियल आईडी यहां पर जो है ऑटोमेटिक ही यह ले लेगा। अब यहां पर आपको जो है आपका पेंशन का जो पीपीओ नंबर है वो पीपीओ नंबर यहां पर अपलोड करना है। पीपीओ नंबर अपलोड करने के बाद में यहां पर आपको गेट स्टेटस पर यहां पर क्लिक करना है, जिसके बाद एक नया विंडो आपके सामने यहां पर ओपन हो जाएगा और इस नए विंडो में आपका यहाँ पर पीपीओ नंबर, पेंशनर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और पेंशन टाइप यहाँ पर बताएगा। साथ ही यहाँ पर आपका ये भी बताएगा कि आपको आखिरी महीने में, किस महीने में आपको आखिरी महीने में यहाँ पर जो है पेंशन प्राप्त हुई है। साथ ही इसके साथ यहाँ पर ये भी बताएगा कि आपके लाइफ सर्टिफिकेट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड इज़ वैलिड अप टू दिसंबर 2018, यानी कि इस पेंशन धारक की यहाँ पर जो इनका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी दिसंबर 2018 तक के लिए थी और इसके बाद में इन्होंने जो है अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं किया है। तो इस तरह से आपका जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी जो भी है वो यहाँ पर जो है आपको दिखा देगा। इस तरह से आप अपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट, वैलिडिटी जान सकते हैं और आगे आने वाले साल के लिए अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड करके आने वाली जो पेंशन है वो आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप जो है समय पर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पर पेंशन पाने से आप जो है वंचित रह सकते हैं। दोस्तों, यही वीडियो जानकारी आप तक पहुंचानी थी। ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसी जानकारी के साथ। तब तक के लिए बने रहिएगा एम्प्लॉय खबर चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।